यही नहीं, आज के इस एपिसोड में हम आपको देश और दुनिया से चुन चुन कर निकाले गए कुछ ऐसे चुनिंदा प्राणियों से मिलवाएंगे जिनके कारनामे देखकर कसम उड़ान छल्ले की आप हंसे बिना रह नहीं पाएंगे। शांति का नंबर है किसी के पास, शांति का नंबर है, शांति का नंबर। तो चलिए भाई, बिना समय बर्बाद किए हम आज की इस मजेदार यात्रा को शुरू करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल की मोहब्बत कभी खुशी कभी गम की तरह हो गई है। लेकिन बॉस, पहले की मोहब्बत तो अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। जरा इन चच्चा की मोहब्बत को देखिए, जिसे दुकानदार ने खुद रिकॉर्ड किया है। दरअसल शरबत का गिलास हाथ में लिए ये चच्चा उसे खुद पीने से पहले भगवान को प्यारी हो चुकी अपनी अर्धांगिनी को पिलाते हैं और फिर खुद पीते हैं। वाह, क्या मोहब्बत है चच्चा। इस नजारे को देखकर तो भैया चाची भी कह रही होगी, स्वामी जी ये मेरा तो नीचे आने का बड़ा मन कर रहा है, पर ये यमराज माने तब ना। दोस्तों, अभी के टाइम पर भारतीय महिलाओं में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का इतना ट्रेंड चल रहा है कि सुबह सवेरे से ही मंदिरों में बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं। अब इसी बाड़ा भीड़ के चलते कभी कभी महिलाएं जल्दबाजी में शिवलिंग की बजाय किसी और ही को जल चढ़ाती हैं। जैसे यहाँ ये कंगारू भाई सब अपनी जोली फैलाए कूड़े की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये अड्डी मोहतरमा इन पर जल चढ़ा रही है। इसे देखकर दूसरी वाली कहाँ पीछे रहती, वो भी इस कंगारू की पूजा करने लगती है। अब इन्हें कौन समझाए कि भैया ये मूरत नहीं डस्टबिन है। इस हिसाब से तो तुम करवा चौथ के दिन अगर ज्यादा पत्ती खड़े हो तो किसी और ही को पूजाओ, कि अपना को तो सिर्फ लंबी उम्र करवानी है, चाहे पत्ती अपना हो या किसी और का, क्या फर्क पड़ता है। बच्चे भी यार बड़े ही क्यूट होते हैं, इन्हें खुद पता नहीं चलता है कि ये कब क्या कांड कर बैठते हैं। अच्छा। या इस छोटू महाराज को देखिए, जो अपनी मम्मी समझकर दूसरी पार्टी में आ पहुंचा है, लेकिन जैसे इसकी मम्मी इसे बुलाती है तो ये आंखें फाड़ कर देखता है। अले, मेरी मम्मी तो ये है। ओ तेली, मैं तो सासू माँ के पास खला हो गया। फिर दूसरी पार्टी को देखकर मुन्ना अपनी सरहद पर चलाता है। वाकई ये तो झोल हो गया। दोस्तों, मुलाकात कीजिए इस नीली सिंगर से, जो पर्वत यानी मंच पर चढ़कर गाना गा रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर आगमन होता है इस बस का। अब मैडम जी गाना गा ही रही थी और पीछे इंस्ट्रूमेंट भी बज रहे थे, लेकिन तभी बस ड्राइवर ने बस का हॉर्न बजा कर गाने के साथ ऐसा तालमेल बिठाया कि सिंगर तक कंफ्यूज हो गई कि मैं कैसा रिएक्शन दूं। आजकल के बच्चे ना जाने स्कूल के अंदर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि इनसे जब भी कोई सवाल पूछूं तो इनके मुंह पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क नजर आता है। अब इसकी असल वजह जब इस छोटू महाराज से पूछी गई, तब इसका खुलासा हुआ कि आखिर दिक्कत कहाँ है। इसे जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लोग कह रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा क्या कहना है इस बारे? जी सर, ये बात सही है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, पर इसकी असली वजह हम आपको बताते हैं। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? असली वजह बताओ, असली वजह क्या है? इस समय सर इतनी कम उम्र की मैडम आने लगी है कि लड़के पढ़ने के बजाय उनको पढ़ाने सोच रहे हैं। तो भाई समझ गए ना, कम उम्र की मैडम बच्चों के लिए कितनी जानलेवा है। वाह मुन्ना, लगता है तुम भी नाबालिग मैडम के जाल में फंस चुके हो। अरे तू जा रही भाई, और रील्स का भूत आजकल हर किसी के सर पर सवार होकर ऐसा तांडव कर रहा है कि लोगों को जब भी इसकी समझ उठती है तो वहीं पर शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये कपल फेमस होने के लिए एक अलग टेक्निक से किस करने का प्लान बनाते हैं, और वाकई दोनों सक्सेस भी हो गए। लेकिन इन्हें देखकर इस कपल के दिल में आग सुलगती है, और ये मोहतरमा भी अपने पार्टनर के साथ मैदान में उतर आती है। पहले तो ये थोड़ा शर्माती है, लेकिन बाद में मुर्गी वाली पोजीशन लेकर देखिए क्या कांड कर बैठती है।
लो भाई, कार्यक्रम की जगह यहाँ तो पंडाली खुल गया, इज्जत भी बाल बाल बच गई, वरना आज तो बिना थिएटर के मूवी देखने को मिल जाती। सही कह रहे हैं आप। अब मुलाकात कीजिए हल्के आंच पर भुने हुए इस मिमिक्री बॉय से, जो आज आपको कोई मामूली नहीं बल्कि ओगी चाय बनाना सिखाएंगे, मसालेदार, कड़कदार और मलाईदार। आज बना रहा है ओगी चाय, वाह क्या बात है, मसालेदार, कड़कदार और मलाईदार, अच्छा है, बहुत अच्छा। ए भैया चाय पियोगे? नहीं बोलना, मैं नहीं पीऊंगा। वाह बॉस, क्या मिमिक्री की है। वैसे किन किन को बताए ये जनाब किन की मिमिक्री कर रहे हैं, अगर पता है तो जरा नीचे बताइए। हाँ साहब। दोस्तों यहाँ पर चल रहा है तगड़ा वाला खेल, यानी इस लड़की को लड़के के सर पर रखी पानी की बोतल को बेल्ट से मारकर गिराना है, अगर बोतल गिर गई तो लड़की विनर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आए हाय, तभी मैं सोचूं जीती मोहतरमा, लेकिन खुशी जनाब को भी हुई। बड़ा जख्मी दुख भरा लौंडा है भाई, किसी के पास आयोडेक्स हो तो जनाब को दो यार। दोस्तों लड़के लोग अपनी अदाकारी दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पेट्रोल पंप पर कुछ लड़कियाँ भरने के लिए बैठी थी, पेट्रोल यार पेट्रोल। तभी एक लड़का अपने शाही घोड़े पर आता है और इसकी आवाज इतनी तेज निकालता है कि ये मोहतरमा हिल जाती है और बड़े ही निराले अंदाज में उन्हें आगे की तरफ इशारा करती है। लड़कियों की यही अदाएं तो लौंडों का बर्बाद करती है जनाब। वैसे चोर लोग कभी कभी तो ऐसी चोरियां करते हैं कि लूटने वाले का हल बेहाल हो जाता है, लेकिन वहीं पर कभी कभी कुछ ऐसी नमूनी चोरियां करते हैं कि लूटने वाला भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता है। अब इस सस्ते सनी देओल को कुछ नहीं मिला, तो चलते रास्ते इसने घर के बाहर लगे नाले के पाइप को ही गायब कर दिया, वो भी दिन दहाड़े। आए हाय, चाल तो देखो जनाब की। अब इससे माशे अपने बच्चों के लिए रॉकेट बनाएंगे, फिर मंगल ग्रह पर जाएंगे और वहां पर लूडो खेलेंगे। चलिए अब बारी है एक केले की, यानी यहाँ केले को लेकर बहसबाजी कम और हंसी मजाक ज्यादा हो रहा है। ये अंकल जी अपनी रामकथा बता रहे थे, केले का ये डिस्कशन चल ही रहा था कि तभी मैडम को केले से कुछ याद आता है और ये धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। जब ज्यादा ही केला केला हो जाता है तो मैडम तो वही अलग ही दुनिया में गुम हो जाती है, इधर भाई साहब भी अलग ही अंदाज में, आए हाय हाय देखिए। इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है, आप देखें जरा, तो ये उस जमीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। ठीक है। अरे मैडम, यहाँ केले से तात्पर्य उन सभी केलों से है जो केले के पेड़ पर केले की तरह लटकते हैं, ना कि जिस पेड़ के बारे में आप सोच रही हैं वहाँ। पुराने जमाने के लोग भी या तो ज्यादा ही सीधे होते थे या फिर ज्यादा ही समझ रहे हैं ना। इन बुजुर्गों की गेंग को देखिए, जो इस एलिवेटर पर भी दे दनादन पैदल यात्रा करने में लगे पड़े हैं। ये टोली इतनी समझदार है कि नीचे जाने वाली सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। पीछे वाले अंकल को तो भैया इतनी जल्दी है कि वो जल्दी जल्दी में नीचे ही लुढ़क गए। लगता है ऊपर इन सभी के रिश्ते वाले बैठे हैं, अगर जल्दी नहीं पहुंचे तो छुरियां निकल लेंगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा जांबाज क्रिकेटर जो अगर भारत के लिए खेलेगा तो भारत की झोली में अनगिनत ट्रॉफी आ जाएंगी। ये देखिए। 7 करोड़ है ना, एकदम नया तरीका, मतलब जनाब कितने एडवांस है। बॉलर के हाथ से बॉल रिलीज होने से पहले ही रन दौड़ने लगे। वाह गुरु, इस नजरिए से देखा जाए तो तुम शादी से पहले ही बैंड बजवा लोगे कि कोई ना, लड़के भी मिल जाएगी। अरे तू जा रही। भाई बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ये बस ड्राइवर बस कैसे चलाता होगा, ट्रक ड्राइवर ट्रक कैसे चलाता होगा, लेकिन देखिए जनाब बाइक चलाना भी कोई आसान काम नहीं है। दुख, दर्द, पीड़ा और कष्ट सब झेलना पड़ता है। यहाँ पर ये माशे ट्रैफिक के चलते धीरे धीरे अपनी राम प्यारी को आगे धकेल रहे हैं, लेकिन तभी पास खड़ी ट्रक इन पर अपना पाद मार कर आए हाय क्या हाल कर देती है इनका। देखिए मुर्शिद, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मुर्शिद, मुर्शिद किधर गया? यहाँ जनाब मम्मी और इनके दो चूजे रील बनाने की तैयारी में है, इन्हें देखकर ना जाने क्यों पांडा की याद आ रही है।
खैर जो भी है आप भी देखिए पांडा परिवार का मस्त पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट। रेडी रेडी सभी कह रहे हैं कि आजकल पुलिस प्रशासन बड़ा ही लापरवाह हो गया है, बस मस्त पैसे खाने में लगा हुआ है। लेकिन देखिए ये बात ना सरासर गलत है। इस पुलिस वाले को देखिए, जनता की कितनी मदद कर रहे हैं। अंकल के खुले शामियाने को ढकने के लिए ये उन्हें उनकी लुंगी लौटा रहे हैं। और लोग बाग, पुलिस प्रशासन आजकल ढीठ हो गया है। अरे भाई इससे ज्यादा और कितना सहयोग करे पुलिस। सही पकड़े हैं भाई। जब आपका मन डॉक्टरी करने का हो लेकिन घर वाले जबरदस्ती से मैकेनिक फील्ड में आपको धक्का मार दें, तो जनाब नजारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इस नंगू मैकेनिकल इंजीनियर को देखिए, जो भाई आला लगाकर कार की टेस्टिंग कर रहा है। वो इतनी गौर से कान लगाकर सुनता है जैसे ये कार भी भूल पड़ेगी। हाँ भैया थोड़ा सा मेरे इंजन में दर्द है, टायर भी थोड़े थोड़े आए दर्द कर रहे हैं। अब रिल्स के शिकार में एक और मुर्गा फंस चुका है। देखिए इस सस्ते माइकल जैक्सन को। शुरुआत में तो न जाने इन्हें कौन से झटके लगते हैं और फिर बत्ती से दिखाकर भाई सब कमरिया मटकाने लग जाते हैं। देखिए तो बोलो, बोलो। अच्छा। तोबा तोबा थारा मूड खराब कर दिया। अरे काकू काकी और साथे नाचती तो मोदी सरकार अगलो भारत रत्न आपने देती। चलिए अब आपको एक हार्ट ब्रोकन क्लिप दिखाते हैं जिसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ये देखिए ये छोटा सा बच्चा यहाँ गुब्बारे बेच रहा है और जहाँ इसकी उम्र खेलने कूदने की है वहाँ ये जिम्मेदारियाँ संभाले हुए है। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। वाकई दोस्तों बच्चे का बचपन तभी तक खुशहाल रहता है जब तक कि उसके सर पर माँ बाप का साया रहता है, वरना तो बाहर की दुनिया किसी पर तरस नहीं खाती। क्या बात कर रहे हैं बाबा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इनमें से किस क्लिप को देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो गया हमें नीचे बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।